एक्चुअली ना हम ना दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारा सामान लेके आना है। यार दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, माँ से भी पूछ लेते हैं, क्या पता इनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं ये कह रहा था कि मम्मी जी से भी कुछ पूछ लो, कोई दिवाली के लिए उनको भी कुछ सामान चाहिए हो तो। उनसे क्या पूछना है, उनके पास दो जोड़ी कपड़े और दो टाइम का खाना मिल तो रहा है, क्या पूछना क्या उनसे। अरे फिर भी कोई थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लो, फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लो, क्या पता कुछ चाहिए हो। मुझे नहीं करनी कोई फॉर्मेलिटी, आप जाके करो अगर आपको ज्यादा लाड आ रहा है तो। मुझे नहीं करनी, आप जाके पूछो। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। हम दिवाली की शॉपिंग करने कुछ जा रहे हैं, खरीदारी करेंगे। अच्छा बेटा, आपने कुछ चाहिए तो आप बता दो। बेटा मन्नत कुछ ना चाहिए, दो रोटी दो कपड़े चाहिए। हमने क्या चाहिए बेटा, ना फिर भी कोई सामान चाहिए हो ना, खरीदारी करने कुछ ना चाहिए बेटा। ना कुछ तो चाहिए, देख लो कोई छोटा मोटा कुछ भी चाहिए। क्या चाहिए मन्ने बताओ तुम। ना ना बताओ आज आपके। ना बेटा मन्ने कुछ ना चाहिए, अरघनी करे तो मैं लिख के दे दूंगी बेटा। हाँ आप लिख के दे दो। ले बेटा पर्ची है, इसमें लिख रहा जो भी लिख रहा सामान, देख के लिए। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा। ठीक है बेटा, ठीक है मैं ले आऊँगा। देखा, मैं नहीं कह रहा था कि माँ को भी कुछ सामान की जरूरत है। कह रहे थे कि दो वक्त की रोटी और दो जोड़ी कपड़े में ही सारा काम हो जाता है। देखो कितनी बड़ी लिस्ट बना के दी है माँ ने। हाँ ठीक है, बन लो आप श्रवण कुमार बन लो। इसमें श्रवण कुमार की क्या बात है, हो सकता है गाँव में जो छोटा भाई रहता है उनके बच्चों के लिए सामान मंगाया हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, बाद में देखेंगे इसका। चलो ठीक है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ तो अब मुझे कहीं नहीं जाना, मम्मी के सामान का आप देख लेना क्या करना है। चलो मैं देख लेता हूँ। क्या लिखा है इसमें दिखाओ, लिखा क्या है इसमें। बेटा सब कुछ तो तुमने दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो तुम ही मेरी दिवाली हो। तुम जब खुश होते हो तो मन ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ दिए ही दिए जगमगा रहे हों। फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर में अगर किसी दुकान पर फुर्सत के कुछ पल मिल जाए तो मेरे लिए कुछ पल ले आना। बेटा अब मुझे अंधेरे से डर लगने लगा है, मैं पल पल मौत की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मौत एक अटल सत्य है और एक ना एक दिन ये आनी ही है। बेटा मुझे अकेलेपन से बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत से पहले मेरा अकेलापन ही मुझे खा जाएगा। इसलिए बेटा तू जब साथ होगा तो मेरी अंधेरी भरी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी और थोड़ी सी देरी का साथ भी मेरे बुढ़ापे का अकेलापन दूर कर देगा और बिना दीप जलाए ही मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। बेटा मेरा बहुत मन करता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही तुम मेरी गोद में अपना सर रखे और सर को सहलाऊँ। बेटा अगर तू मेरे पास होगा तो मैं मौत से भी मुस्कुरा कर गले लग जाऊंगी। बेटा क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या न रहूं। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और जल्दी माँ के पास पहुंचते हैं और मिलते हैं माँ से। ठीक है चलो ले माँ, जो भी तने इस पर्ची में लिखा था वो सारा ले आया हूँ। अच्छा बेटा, आठवां है माँ, देर जरूर होगी। अच्छा पर मैं इस चीज का वादा करूँ हूँ, हाँ आज के बाद तने इस चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा जी माँ जी, आज आइंदा के बाद आपको किसी चीज की कमी नहीं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा बने रहो तुम, सुखी रहो। दोस्तों बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं इस संसार के अंदर। माँ बाप से बढ़कर हमारी चिंता करने वाला, हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला और कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम इनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, इनका ख्याल करना छोड़ देते हैं या बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रखते हैं। मैं ये मानता हूँ आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को भी किसी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन दोस्तों निकाला करो कुछ समय अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी। इसमें कोई शक नहीं कि दो पल का साथ, उनसे थोड़ी देर बात कर लेना, उनके बारे में हालचाल पूछ लेना, यही उनके लिए दिवाली से कोई कम नहीं।
दोस्तों एक बार को आप मंदिर मत जाओ चलेगा, पूजा मत करो चलेगा, भगवान को याद मत करो चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप को याद ना करो, उनके पास ना जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस बार की दिवाली अपने माँ बाप के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।